Welcome to Unpacking Us, a podcast where we unpack the deepest questions faced by Pakistani society, politics, and the economy. I'm your host, Asad Liaquat. Today's episode is about local governments, and this episode will be in Urdu, with apologies to listeners who don't speak the language. I'm back after a bit of a break, which I took because we're blessed with a baby girl. Which has made my life a lot more enriching, but also a lot busier. So, I expect the episodes to be a little less frequent. But there are many interesting people that I want to talk to in this podcast and many interesting issues that I want to tackle here. And I hope that you'll keep coming back for future episodes. So, switching over to Urdu now, today we will talk about local governments. In Pakistan is a lot dunyaka than अकवा मतहदा के आदाद शुमार के मुताबिक पाकिस्तान की आबादी तकरीबन दो सौ पैंतीस मिलियन है या तकरीबन साढ़े तेईस करोड़ इतने बड़े मुल्क के मसाइल हल करने के लिए और इतने लोगों को बुनियादी सहूलियात फ्राहम करने के लिए जब हम हकूमत के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हम सिर्फ कौमी सतह पर या ज़्यादा से ज़्यादा सूबाई सतह पर सोचते हैं लेकिन पाकिस्तान के हर ज़िले हर ज़िले में हर गाँव और हर शहर के हर महल में मसाइल एक जैसे नहीं हैं कौमी या सुबह सतह पर हर मसला हल नहीं किया जा सकता क्योंकि काफ़ी मसाइल बुनियादी तौर पर लोकल मसाइल हैं जिन्हें सिर्फ वही लोग समझ सकते हैं जो इन इलाकों से वाकिफ़ हैं जिनमें ये मसले दरपेश हैं और उन लोगों को जानते हैं जिनके लिए मसले हल किए जा रहे हैं मैंने अपनी रिसर्च में भी इन सवाल को बहुत गहरी नज़र से देखा कि लोकल गवर्नमेंट को आखिर कैसे एम्पावर किया जाए और मसाइल को तो कैसे हल किया जाए और इस रिसर्च के दौरान मेरी खुशकिस्मती थी कि मैं काफ़ी मरतबा हमारे आज के गेस्ट अहमद इकबाल चौधरी से मिला अहमद नारोवाल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के फॉर्मर चेयरपर्सन हैं और उनका शुमार लोकल गवर्नमेंट्स के सबसे बड़े एडवोकेट्स में होता है और इन्होंने हाल ही में पाकिस्तान लोकल डेमोक्रेसी डायलॉग स्टार्ट किया है जिसका मकसद लोकल गवर्नमेंट्स को मजबूत बनाने के लिए कंसेंसस बिल्ड करना है हम आज लोकल गवर्नमेंट्स के बुनियादी मसाइल के बारे में बात करेंगे और अहमद से पूछेंगे कि आखिर इन मसाइल का हल ढूंढने के लिए हमें क्या करना होगा अहमद वेलकम टू द शो थैंक यू फॉर हैविंग मी असद तो आज आपसे जो पहला सवाल मैं करना चाहता हूँ वो आ, इस वक्त की जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर कुछ अपडेट लेना चाहिए और वो ये कि लोकल गवर्नमेंट्स जो पंजाब में थी वो इस वक्त फिर से डिजॉल्व हैं Um, हमें 2018 में जब आप जब जनरल इलेक्शन हुआ उस टाइम पर आप डिस्ट्रिक्ट काउंसिल नारोवाल के चेयरपर्सन थे आ, उसके बाद वो लोकल गवर्नमेंट्स डिसॉल्व हो गई फिर एक बहुत लंबे लीगल चैलेंज के बाद वो रिस्टोर हुई और आ, अब उनकी टर्म ख़त्म हुई है तो अब नए लोकल गवर्नमेंट एलेक्शन नहीं हो रहे हैं तो क्या सूरत हाल है इस वक्त पंजाब में लोकल गवर्नमेंट्स की लोकल गवर्नमेंट एक्ट नया इंट्रोड्यूस हो रहा है नहीं हो रहा है और हम इलेक्शन कब एक्सपेक्ट कर सकते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन असद अनफॉर्चुनेटली इस वक्त पंजाब प्रोविंस जो तकरीबन पाकिस्तान की आधी से ज्यादा आबादी एक सूबे में रहती है वहाँ पर पिछले आ, तीन साल से कोई लोकल गवर्नमेंट इदारे काम नहीं कर रहे दो हज़ार उन्नीस में आ, लोकल गवर्नमेंट्स इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स को आ, टू ईयर्स Their elected term, they were dissolved, and then it, it took a, uh, a prolonged constitutional battle in the high court and then the supreme court. Or finally, right towards the end of the five-year term, when the when the actual elected term was about to end, the supreme court destroyed local governments in Punjab for a few months. Uh, but Kismati se, uh, agar hum 2019, i.e. the three years, तो इस वक्त पंजाब में लोकल गवर्नमेंट्स तो कोई नहीं थी लेकिन कानून छः आ चुके हैं और बार बार नए कानून आ रहे हैं नए आ, इदारों में कोई स्टेबिलिटी नहीं है इस वक्त कोई इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट चूँकि ऑफिस होल्ड नहीं करती तो लोगों के पास अपनी जो बुनियादी मसाइल हैं गली नाली मोहल्ले के उनके मदावे के लिए उनके रिड्रेसल के लिए कोई फॉरम एग्जिस्ट नहीं करता और और सो इस वक्त इस वक्त भी पंजाब में इलेक्शंस जो हैं लोकल गवर्नमेंट्स के वो काफ़ी महीनों से ड्यू हैं वो 2022 हज़ार शुरू होते ही जब इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स की टर्म ख़त्म हो गई थी तो असूला तो कानून के मुताबिक तो सूबे में नए इलेक्शंस का ऐलान हो जाना चाहिए था लेकिन बदकस्मती से एक ऑर्डिनेंस आया वो ऑर्डिनन्स पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ फिर पार्लियामेंट ने जून में एक नया लोकल गवर्नमेंट लॉ दिया जो प्रोविंशियल असम्बली है उसको अभी कुछ चंद महीने ही हुए थे कि पंजाब में फिर गवर्नमेंट चेंज हो गई और वही जो ऑर्डिनेंस था उसको फिर पंजाब असम्बली ने अडॉप्ट कर लिया बट उस पर कानून कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है इस पर तो बहुत बात हो सकती है लेकिन सबसे बुनियादी चीज़ ये कि जो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक थ्री टर्ड फेडरेशन का एक थ्री टर्ड गवर्नमेंट का तस्वुर देता है और अगर स्ट्रिक्टली कॉन्स्टिट्यूशन की की के मुताबिक बात की जाए तो हर वक्त इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स का होना जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है एक मिनट के लिए भी एक सेकेंड के लिए भी अगर इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट्स ऑफिस नहीं होल्ड करती Uh, तो अब तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने और मतद सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जो जजमेंट्स हैं उन्होंने ये बात की है कि दैट इज़ अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन सो देखा जाए तो ना इस, इस वक्त पंजाब में भी इलेक्शन नहीं हुए सिंध में भी लोकल गवर्नमेंट्स फॉर्म नहीं हुई बलूचिस्तान में भी अभी तक फॉम नहीं हुई और के पी जहाँ पर इलेक्शन हो गए थे और वहाँ पर एक uh, नए लॉ के तहत टर्म जो है वह चार साल की रखी गई थी इंटरेस्टिंग गवर्नमेंट ऑफिशल तो उठा लिया लेकिन एक साल गुजरने के बावजूद अभी तक उनको फाइनेंशल पावर्स नहीं दी गई ट्रांसफर टू लोकल गो दैट इज द स्टेट ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स इन पाकिस्तान इस चीज़ पर बात करते हैं कि Uh, क्या पाकिस्तान uh, में जब ऊपर सतह पर लोकल गवर्नमेंट होती है तो क्या वो नीचे सतह पर लोकल गवर्नमेंट को लाना चाहती हैं कि नहीं लाना चाहती हैं और आई वुड से कि शायद ये का सेंट्रल क्वेश्चन है जिस पर मैं आपसे बात करना चाहता हूँ लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जूमआउट करें हम और इस चीज़ पर बात करें कि आखिर लोकल गवर्नमेंट्स का मकसद है क्या इकनॉमिक uh, थेरी के मुताबिक जो है कुछ ऐसे फंक्शंस हैं हुकूमत के जो कि लोकल सतह पर अगर किए जाएं तो वो ज्यादा एफिशिएंटली किए जा सकते हैं और मैं इकोनॉमिक एक, थ्योरी के हवाले से तो उस चीज से बहुत बात कर सकता हूं लेकिन मैं आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस जानना चाहता हूं कि ऐसे कौन से फंक्शन हैं ऐसे कौन से काम हैं जो कि लोकल गवर्नमेंट बेहतर कर सकती है प्रोविंशियल गवर्नमेंट से और नेशनल गवर्नमेंट से जो हम अमरीका में देखते हैं फॉर इंस्टेंस आ, स्कूलों की एजुकेशन के कुछ ऐसे प्राइमरी स्कूल खासतौर पर लोकल गवर्नमेंट करती हैं सैनिटेशन के मसाइल हैं जो कि जिस चीज का दायरा लोकल एक, एक आप जोग्राफिकल बाउंड्री के अंदर महदूद कर सकें और जिस चीज पर तौर पे आप फंडिंग भी लोकल सतह पर ले सकें वो फंक्शंस तो लोकल गवर्नमेंट के इकोनॉमिक थेरी के मुताबिक भी अच्छे समझे जाते हैं तो पाकिस्तान के कॉन्टेक्सट में आप जो नारोबाल डिस्ट्रिक्ट में हैं वो मोस्टली एक रूरल डिस्ट्रिक्ट है इवन दो नारोबाल में बड़े शहर भी मौजूद हैं तो आपके ख्याल से क्या ऐसे फंक्शन है लोकल गवर्नमेंट के जो के आम, उसमें कंपैरेटिव एडवांटेज जिसे कहते हैं वो है लोकल गवर्नमेंट को प्रोविंशियल या नेशनल गवर्नमेंट के मुकाबले में असद इस वक्त पाकिस्तान में देर इज अ टोटल ब्रेकडाउन ऑफ म्यूनिसपल सर्विसेज चाहे आप बड़े शहरों में चले जाएं उन बड़े शहरों के लीट नेबरहुड्स में महंगे इलाकों में चले जाएं या उन शहरों की कच्ची बस्तियों में चले जाएं, आप देहाती इलाके का रुख करें तो आप आ, जिस भी आ, पंजाब के गांव में कदम रखेंगे वो एक तबाही का मंजर पेश कर रहा है वहाँ पर कोई निकासी आपका, यानी वेस्ट वाटर का कोई निज़ाम नहीं है वहाँ पर अभी तक साफ पीने के पानी का कि हम लोगों को सहूलत फ्राहम नहीं कर सके स्टेट नहीं कर सकी आ, हम अभी तक आ, अर्बन और रूरल के अंदर एक जो एक एक कलोनियल एरा से एक डिस्पैरिटी चली आ रही है कि जब अंग्रेज़ राज में उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स ऑर्गेनाइज की अर्बन एरियाज में क्योंकि जो साहब बहादुर थे वो शहरों में रहते थे तो वहाँ पे उन्होंने मुनासिब समझा कि यहाँ पे शहर चलाने के लिए लोकल गवर्नमेंट्स चाहिए वही लेगेसी पाकिस्तान ने भी इनहेरिट की और आ, अभी जो हालिया कवानीन आए हैं पिछले दो या तीन कानून पंजाब में उस डिस्पैरिटी को मिटाया गया लेकिन उससे पहले सत्तर साल हर कानून में रूरल और अर्बन एरियाज़ को डिफ्रेंशिएट किया गया और वहाँ के सिटीजनस को बुनियादी हकूक जो एक स्टेट को देनी चाहिए सर्विसेज उस लिहाज से देहाती इलाकों को पीछे रखा गया तो एक सत्तर साल का एक लैग है एक डेफिसिट है इंफ्रास्ट्रक्चर का सर्विसेज का रूरल एरियाज में अब चाहे वो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट हो यानी कूड़ा उठाने का निज़ाम और उसको ठिकाने लगाने का यानी वेस्ट डिस्पोजल का सिस्टम हो ये वो सारी चीज़ें हैं जो लोकली ऑर्गेनाइज होती हैं आप स्कूल्स की बात करें तो आ, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने खास तौर पर पंजाब में बहुत मैसेव इन्वेस्टमेंट की और बड़े गेम्स भी हमने देखे स्कूल्स के अंदर इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर इन टर्म्स ऑफ मिसिंग फैसिलिटीज की जो प्रोविजनिंग की लेकिन एट द एंड ऑफ द डे जो एक स्कूल का ताल्लुक कम्यूनिटी के साथ होता है जो बच्चे वहाँ पे तालीम हासिल करने जाते हैं सबसे बड़े जो स्टेक uh, होल्डर्स होते हैं सबसे बड़ी जो अकाउंटेबिलिटी होती है वो कम्युनिटी की होती है उनके पेरेंट्स की होती है उन बच्चों का फीडबैक सबसे इंपॉर्टेंट होता है और हम अभी तक क्योंकि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम नहीं रहा हम उस तरह के तल्ल और वो रब्त ही नहीं कायम कर सके स्कूल्स का और कम्यूनिटीज का और और ये बड़ी आ, सोचने की बात है कि क्या वजह है कि स्टेट सैलरीज भी अच्छी देती है स्कूल टीचर्स को इंफ्रास्ट्रक्चर भी मौजूद है बिल्डिंग्स हैं सब कुछ है लेकिन लोग अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल्स में भेज रहे हैं इसका मतलब है कि सम डिजाइन इन हाउ हाउ वी वी गवर्न लोकल सब्जेक्ट्स। शहरों की अगर आप बात करें तो मतलब इस वक्त पाकिस्तान इज इन द मतलब क्लाइमेट चेंज की दुनिया तो बात कर रही है कि क्लाइमेट चेंज के रिस्क क्या है पाकिस्तान इज एक्चुअली इन द दिडस्ट ऑफ इट हम हम देख रहे हैं आ, हालिया सैलाब में तो हमें नज़र आ गया कि ये किस स्केल की तबाही मचा सकता है लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर रोज आ, ये जो क्लाइमेट चेंज के असरात हैं हमारे शहरों पे कम्युनिटीज़ पे वो ज्यादा खतरनाक होते जा रहे हैं लाहौर शहर दुनिया का आलूदा तरीन शहर है इस वक्त दिल्ली और बीजिंग से भी ज्यादा कई साल के कुछ हिस्से होते हैं कि लाहौर की हवा सबसे आलूदा होती है और यूनिवर्सिटी युण ऑफ शिकागो की एक एयर क्वालिटी लाइफ इंडेक्स है जो 2016 के गालिबा डेटा पे बनी गई है और वो कहती है कि लाहौर में पैदा होने वाला हर बच्चा जो है वो पैदा होते ही अपनी जिंदगी के सात साल खो बैठता है ये छः साल पुराने पुराने एयर पोल्यूशन की फिक्र दें और एयर पोल्यूशन हर साल खराब होती जा रही है अब ये कैसे ठीक होगी क्या हम शहरों में क्या हम आ, मतलब जिस तरह आ, रैपिड अर्बनइजेशन और जो अर्बन स्क्रॉल बढ़ता जा रहा है हम अपने शहरों को प्लान नहीं कर रहे हाउसिंग सोसाइटीज़ का जाल इस वक्त लिटरली आप क्योंकि मैं पंजाब से ज़्यादा बेहतर वाकफ हूँ आप कसूर शहर से शुरू हो जाएं तो कसूर से लाहौर लाहौर से मुरीदके मुरीदे से गुजरा वाला गुजरा वाला से गुजरात गुजरात से आगे झेलम झेलम से इस्लामाद और इस्लाबाद से पशावर ऑलमोस्ट एक कंटिगूस

सो so, इसेंशली uh, ये काम भी लोकल गवर्नमेंट्स का करने वाला है और सिटीजनस का करने वाला है कि अपने शहर के मुस्तबिल के विजन के बारे में अपने मोहल्ले uh, अपने मोहल्ले को अपने शहर को बेहतर बनाने के लिए जो सबसे बेहतर विज़न और प्लानिंग है वो शहरी करके कर दे सकते हैं और ये काम होता है टाउन हॉल्स में सिटी हॉल्स में और हमारे टाउन हॉल सिटी हॉल्स हैं उनको ताले लगे हुए हैं वहाँ पर uh, इस वक्त इस वक्त लाहौर में फिर स्मॉग आएगी और बहुत बुरी आएगी और लोग टी वी पे ब्रेक रोज नौ बजे की खबरों में आएगा लोग अपने बच्चों को मना करेंगे बाहर ना जाओ लेकिन जो जिस चीज का हम इतराक नहीं कर पा रहे कि ये लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के बगैर आप इन चीज़ों को एड्रेस और टैकल नहीं कर पाएंगे तो इन तो इन इंस्टीट्यूशन की बात करते हैं आ, हम जब लोकल गवर्नमेंट कहते हैं और हम अगर लेट से कि हम डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बात करते हैं तो पाकिस्तान की जो डिस्ट्रिक्स हैं वो ऑन एवरेज उनकी जो आबादी है वो तकरीबन दो मिलियन के आसपास है बीस लाख के आसपास एक एवरेज डिस्ट्रिक्ट की ओबियसली उसके अंदर बहुत सारा वेरिएशन है कि जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट है वो तकरीबन एक करोड़ आ, के आसपास है और नारोवाल डिस्ट्रिक्ट जो है उससे कम होगी लेकिन क्या ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बात करना बहुत एक बड़ा स्केल नहीं है और ओबियसली uh, डिस्ट्रिक्ट uh, एक गवर्नमेंट के अंदर यूनियन काउंसिल्स मौजूद हैं uh, 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 जो रूरल डिस्ट्रिक्ट्स डिस्ट्रिक्ट उसमें थोड़ा डिफरेंट सिस्टम है तो आपके ख्याल में एक आइडियल स्ट्रक्चर क्या है लोकल गवर्नमेंट का एक ऐसा स्ट्रक्चर जहाँ पे जिस तरह का आप लोकल डिस्कोर्स की बात कर रहे हैं कि एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी हो कि लोग भी उसमें शिरकत करें उसमें जो लोगों के जो मंत नुमांदे हैं वो उनके ख्याल की उनके इंटरेस्ट की अक्सी कर सकें वो कैसा स्ट्रक्चर है उसको आप कैसे समराइज करेंगे कि इस तरह के इश्यूज पर माहौलियात पर भी लोगों की जो बेसिक म्यूनसिपल सर्विसेज हैं उन पर भी आ, लोगों की पार्टिसिपेशन भी हो सके और लोग ऐसे नुमाइंदे मुंतब कर सकें जिनसे वो एक्चुअली इंटरेक्ट भी कर सके ऑन अ प्रैक्टिकल बेसिस आपकी पूरी डिस्ट्रिक्ट में लोगों का आपके पास आना एज एज द द मेयर ऑफ द नारोवाल नारोवाल डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो तो उनके लिए मुमकिन नहीं है तो वो ऐसा क्या लोकल इंस्टीट्यूशन है वो क्या स्ट्रक्चर है जो कि आप आइडियल फॉर्म में चाहते हैं मैं इस वक्त नहीं बात कर रहा कि इस वक्त जो जो मौजूद है या जो एक्ट्स में लिखा गया है आपके ख्याल में आइडियल स्ट्रक्चर क्या है असद सबसे पहली बात तो ये है कि मैं आपसे 100% متفق ہوں کہ ہمارے جو ڈسٹرکٹس ہیں یہ بہت ان کا سائز بہت بڑھ چکا ہوا ہے اور اب مطلب اس जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ था तो पंजाब की आबादी दो करोड़ से कम थी इस वक्त सिर्फ लाहौर डिवीज़न की आबादी जो है वो दो करोड़ है सो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फैसलाबाद डिस्ट्रिक्ट जो है वो अस्सी लाख की आबादी है इसी तरह पिंडी में पचास लाख की आबादी है और दो लाख वाला डिस्ट्रिक्ट तो एक्चुअली पंजाब का एक छोटा डिस्ट्रिक्ट है ये और ये कई जगह बहुत बड़े रकबे पर मुहित हैं ये डिस्ट्रिक्ट्स सो so, ये कहना कि लोकल गवर्नमेंट सिर्फ डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट है मैं बिल्कुल इससे उतफाक़ नहीं करता वो भी एक ओवर सेंट्रलाइजेशन है जो बुनियादी यूनिट है लोकल गवर्नमेंट का वो मेरी नज़र में तो वार्ड और यूनियन काउंसिल है क्योंकि वहाँ पर आ, वार्ड लेवल पर खास तौर पर देहाती इलाकों में आ, यूनियन काउंसिल पर आप बड़ी आसानी से एक वाटर सप्लाई स्कीम मैनेज कर ऑपरेट कर सकते हैं चाहे वह डिस्ट्रिक्ट बनाए चाहे वह तहसील बनाए बट ये एक वो एक ऐसा यूनिट है जहाँ पे कम्युनिटी सस्टेनेबली इन सर्विसेज को मेंटेन भी कर सकती है ऑपरेट भी कर सकती है और रन uh, भी कर सकती है जो बेसिक इश्यूज uh, जैसे आपकी गली नाली स्ट्रीट लाइट कम्युनिटी पार्क्स लाइब्रेरीज़ ये सारा इंफ्रास्ट्रक्चर यूनियन काउंसिल लेवल पर मैनेज हो सकता है और होना चाहिए और वहाँ पर लोगों को एम्पावरमेंट देनी चाहिए क्योंकि जब पाकिस्तान बुनियादी तौर पे आज़ाद हुआ था तो तो यही यही एक फंडामेंटल एक ख्वाहिश थी या खाब था कि एक आज़ाद मुल्क हो जहाँ पर लोग अपनी मर्जी से चीज़ों को चला सकें और अपने फैसले खुद कर सकें और अगर देखा जाए तो जमहूरीत की पैदाइश ही आ, लोकल लेवल से हुई थी मतलब जो आ, एंशंट ग्रीस में सिटी स्टेट्स का तस्वर है वहीं से ये डेमोक्रेसी मॉडर्न डेमोक्रेसी की एवोल्यूशन हुई है कि शहर कैसे चलेगा और वो जो एक उनके ओथ ऑफ द सिटीजन है वो भी सिटी के से आप अपनी लीजेंस देते हैं कि मैं उसको अपने जो मैंने सिटी इनहेरिट की उससे बेहतर छोड़ के जाऊँगा और लोगों की सबसे ज़्यादा जो इस वक्त पाकिस्तान में एक आम शहरी के जो बुनियादी मसाइल हैं वो सारे के सारे आ, उसकी रोजाना की जिंदगी की स्ट्रगल के साथ जुड़े हुए वो आप खुद ही इमेजिन कर लें कि एक इंसान जब सुबह उठता है और वो मुंह हाथ धोने के लिए पानी की टैप खोलता है तो जब उसमें पानी नहीं आ रहा होता तो वो कैसे एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ सोसाइटी बनेगा वो शावर नहीं ले सकता वो बाहर जाता है उसकी गली में गटर का पानी खड़ा हुआ होता है वो फिर देखता है कि जब वो गली से निकल रहा होता है तो कूड़े के ढेर लगे होते हैं Uh, फिर वो उसके बच्चे बच्चों के लिए कोई खेलने के लिए जगह नहीं उसके सो 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 कमिंग बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर देखें एक uh, शहरों के लेवल पर आपको एक इंटीग्रेटेड लोकल गवर्नमेंट चाहिए जो उस शहर की रिप्रेजेंटेटिव बॉडी uh, हो डेमोक्रेटिकली uh, इलेक्टेड हो आ, और उसका उसमें सिटीजन पार्टिसिपेशन को इंश्योर करना बहुत ज़रूरी है आप देखें कि जितनी भी वाइब्रेंट डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पर किसी भी शहर के बारे में कोई भी बड़ा फैसला चाहे वो स्पेंडिंग डिसीजन हो चाहे वो जोनिंग लॉज में चेंजेस हो उसकी प्रॉपर पब्लिक हेरिंग होती हैं सिटी हॉल में कंपीटिंग आइडियाज जो होते हैं उस शहर के उस मोहल्ले के सब आके अपनी बात सुनाते हैं और फिर काउंसिल मेबर जो होते हैं वो वोट करते हैं और आ, असल ताकत जो होती है वो शहरी की होती है सो आई थिंक एक किसी ना किसी लेवल पर आपको एक एक वाइब्रेंट सिटी हॉल कल्चर चाहिए जहाँ पे कोई भी शहर के मुतल कोई बड़ा फैसला है कोई नई हाउसिंग सोसाइटी बनानी है तो शहरी आकर उसमें अपने दलाइल दें और फिर काउंसिल वोटिंग हो और ये पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का एसेंस तो ये बट आई थिंक इसमें अब आपको पाकिस्तान में अगर आप देखें तो दो शहर ऐसे हैं लाहौर और कराची जो मतलब इंटरनेशनल ग्लोबली मेगा सिटीज की डेफिनेशन में फिट आते हैं देयर आल्सो द हब्स ऑफ योर इकोनॉमिक एक्टिविटी जॉब क्रिएशन सो लाहौर एंड कराची हैव टू हैव टू हैव मच स्ट्रॉन्गर रोबस्ट लोकल गवर्नमेंट रेजिम्स जहां पे सिटी लेवल पर मे बी इवन फैसलाबाद इस्लामाबाद uh, اباد uh, के वहां पर सिटी सिटी गवर्नमेंट्स के पास वो टूल्स हों कि वो जॉब क्रिएशन इकोनॉमिक डेवलपमेंट और हमने ये तस्वर दिया था अभी जो पिछला कानून रिपील हुआ है उसमें म्यूनिसपल uh, बॉन्ड्स का uh, एक आइडिया फ्लोट हुआ था बिजनेस इंप्रूवमेंट डिट्रिक नेबरहुड इम्प्रूवमेंट डिस्ट्रिक्ट्स टैक्स इंक्रीमेंट फाइनेंसिंग ताकि ये एम्पावर्ड इंस्टीट्यूशन हों दुनिया में जिस तरह शहर चल रहे हैं वो टूल्स मेयर्स के पास भी अवेलेबल हों बट फिर बात आ जाती है बड़े शहरों में कि एक uh, uh, इन बड़े शहरों के अंदर फिर बहुत मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स की नेबरहुड्स हैं या जिन्हें टाउन्स भी कहते हैं यहाँ पर सो आई थिंक देर इज ऑल्सो नीड फॉर अ मिडिल जैसे आप न्यूयॉर्क में बरोज देख देखते हैं या आ, बाकी शहरों में भी लंडन में भी आई थिंक इस तरह का कॉन्सेप्ट है एडमिनिस्ट्रेशन ताँ, या टाउन गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पर आ, त, एक एक मिडिल टेयर का किरदार अदा करे बट यूनियन काउंसिल अगेन इज द मोस्ट एक्सेसबल एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टेयर अच्छा एक एक और चीज़ अगर देहाती इलाकों में देखा जाए तो मैं तो ये समझता हूँ मेरी जती राय ये है कि हमें इस पूरे जो स्ट्रक्चर को रिविजिट करने की जरूरत है चाहे आप तहसीलों को डिस्ट्रिक्ट्स डिक्लेयर कर दें बट ये ज़िले बहुत बड़े हैं और बड़े इनके इन ज़िलों के अंदर बहुत डाइवर्सिटी है हर तहसील जो है वो तक़रीबन right. दूसरी तहसील से रहन सहन के लिहाज से आदतों के लिहाज से ज़ुबान के लिहाज से भी कहने को सब पंजाबी हैं लेकिन पंजाबी सौ सौ किलोमीटर बाद चेंज हो रही होती है उनकी तारीख मुख्तलफ है उनकी फोक लोर मुख्तलफ होती है सो मैं नहीं मैं समझता इसमें कोई मकाका नहीं कि अगर आप छोटे यूनिट्स बना लें डिस्ट्रिक्ट्स को और छोटा कर लें इससे बेहतरी आएगी इससे आ, इससे और इससे एक और चीज़ जो है वो पोलिटिकल कॉम्पिटिशन क्रिएट होगा इस वक्त बदकिस्मती से जो पाकिस्तान एंड दिस इज़ आल्सो वेरी रीज़न व्हाई पाकिस्तान नीड्स लोकल गवर्नमेंट्स के जो आ, आपकी वाइब्रेंसी ऑफ डेमोक्रेटिक कल्चर है वो इस चीज़ से मेजर होती है कि वहाँ पर कितना कॉम्पिटिशन है अब बदकिस से हमारे यहाँ कोई पॉलिटिशंस कि नई ट्रेनिंग ग्राउंड इस वक्त एग्जिस्ट नहीं करता आ, तो आप देखें कि हर आ, दिस, हर हलके में प्रोविशल और नेशनल जब नए कैंडिडेट्स लाश करने की बा, बात आती है तो उसी फैमिली का कोई कैंडिडेट आता है जो ऑलरेडी जो इनकम्बेंट है या जो ट्रेडिशनली वहाँ पे कंपीट करते हैं और आई थिंक ये एक बहुत बड़ा डेमोक्रेसी के लिए चैलेंज बनता जा रहा है कि इसमें नए चैलेंजर्स इमर्ज नहीं कर रहे डेमोक्रेसी की तो स्पिरिट ही कॉम्पिटिशन पर बेस्ड होती है

तो वो पार्टी खत्म हो जाती है वो सौ लोग तो ताकत में आ जाती है सो so, पार्टीज भी तब तक मजबूत नहीं होंगी जब तक वो अपने लोकल कार्डर्स में इन्वेस्ट नहीं करती और वो लोकल कार्डर्स तब तक ट्रेन नहीं होंगे जब तक उनको हुकूमत साजी का फैसला साजी का का मौका नहीं मिलेगा और वो उस 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 मिल से गुजर कर नहीं आएंगे ये आपने बहुत एक अहम पॉइंट रेज किया मेरे ख्याल से कि लोकल गवर्नमेंट्स में एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि वो कंपटीशन को प्रमोट करें और ये हमारी ये पॉइंट हमारी रिसर्च में भी नज़र आता है कि हमने लाहौर के मैंने डॉक्टर अली चीमा और डॉक्टर शंदाना मोहम्मद के साथ कुछ रिसर्च की थी लाहौर की यूनियन काउंसिल्स में और हमने देखा था कि जिन यूनियन काउंसिल्स में पार्टी वर्कर्स की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा थी उन उन यूनियन काउंसिल्स में एक्चुअली पब्लिक सर्विस डिलीवरी में इम्प्रूवमेंट्स भी ज़्यादा हो रही थी कि जहां पे कंपटीशन ज़्यादा था उन उस कंपटीशन से शहरीों को फायदा हो रहा था तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है लेकिन इसी से रिलेटेड ये पॉइंट है कि लॉन्ग रन में ये पार्टी स्ट्रेंथन होंगी लेकिन हमने तारीख में ये देखा है कि जब भी पॉलिटिकल पार्टीज पावर में नहीं है पाकिस्तान में उन्होंने इस चीज को बेहतर समझा है कि हम पावर को कंसंट्रेट करें प्रोविंशियल लेवल पे और उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या उससे नीचे लेवल पे डिवॉल्व ना होने दें और अगर हम अगर मैं एज एन इकोनॉमिस्ट इस बात को सोचूं तो ये हम ये कह सकते हैं कि उनका इंसेंटिव भी इसी चीज में अलाइंट है कि अगर मेरे पास इस वक्त पावर है तो बजाय इसके कि मैं उसको और लोगों में तकसीम कर दूं मेरे लिए बेहतर है कि मैं उसको अपने आप तक कॉन्सेंट्रेट रखू और इसमें जरूरी नहीं कि कोई सेल्फिश हो सकता है कि मेरा ख्याल है कि मैं मैं एक अच्छा लीडर हूँ तो मुझे जरूरत नहीं है कि मैं और लोगों में डिवॉल्व करूँ बिकॉज मैं अच्छे तरीके से मैनेज कर सकता हूँ तो ये एक अलमिया राय डेमोक्रेसी का पाकिस्तान में कि जब लोकल गवर्नमेंट्स एम्पावर रही हैं वो मिलिट्री uh, लीडर्स के अंडर एम्पावर रही हैं अयूब खान का सिस्टम था जिया का सिस्टम था मुशरफ का सिस्टम था लोकल गवर्नमेंट का और हम ये कह सकते हैं कि उन्होंने लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर किया बिकॉज वो चाहते थे कि जो पोलिटिकल पार्टीज की पावर है प्रोविंशल लेवल पर वो मजबूत ना हो सके उन्होंने कहा कि पावर को इतना बांट दो कि कोई भी कहीं भी कोई भी मजबूत ना हो सके बल्कि लेकिन जब इलेक्टेड लोकल इलेक्टेड प्रोविंशल और नैशनल गवर्नमेंट्स आई तो उन्होंने ये चीज़ मुनासिब नहीं समझी तो अगर हम इस हिस्ट्री को मद्देनजर रखें और हम देखें कि इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज के इंसेंटिव ऐसे शायद नहीं हैं कि वो इफेक्टिवली लोकल गवर्नमेंट्स को एम्पावर करें तो क्या हम आपका जो ये विजन है लोकल गवर्नमेंट्स का उसको कभी भी हम रियलिटी uh, बनता देख सकते हैं आप हाल में क्या व्हाट विल इट टेक फॉर पार्टीज टू इफेक्टिवली एम्पावर लोकल गवर्नमेंट्स Uh, सबसे पहली चीज़ तो ये है इस वक्त के आ, पाकिस्तानी आ, एक पाकिस्तानी जो है वो एक कांस्टेंट स्टेट ऑफ एक उसमें एक ग़ुस्सा है वो आप देखते हैं कि जब भी कोई जब भी कोई सियासी तहरीक चलती है जो एजिटेशन चलती है चाहे आपने देखा कि वो जब आ, रिजवी साहब तहरीक लब्बैक वाले वो बहुत गुस्से में थे तो लोग उनके पीछे चल पड़े और वो मूवमेंट एक जमाने में पाकिस्तान की सबसे वो पॉपुलर लीडर सोशल मीडिया पर बन गया और अगर कहा जाए कि सोशल मीडिया पर सियासत मतलब उन्होंने बड़ी आ, सोशल मीडिया से ही उनका राइज हुआ और वो बड़े एक गुस्से में और उनकी एक बड़ी एजुटेशन वाली सियासत थी फिर आपने देखा जब पीडीएम ने मूवमेंट चलाई तो एक मुझे बात याद है हामिद मीर साहब ने गुजरा वाला का जलसा जो कि आजकल जो जलसे हो रहे हैं मैंने खुद देखा मैं उधर मौजूद था उससे बहुत बड़ा था और हामिद मीर साहब ने एक बात की कि ये हजूम है ये किसी के पीछे नहीं आया ये अपने सिर्फ अपना एक एहतजाज रिकॉर्ड कराने आया है कि ये और ये किसी के कंट्रोल में नहीं है अब आज इमरान खान साहब गुस्से में हैं तो, तो उनको भी ट्रैक्शन मिल रही है मेरे ख्याल में बुनियादी तौर पे ये जो गुस्सा है ये एक ऐसे सिस्टम आ, की तरफ है जो डिलीवर नहीं कर रहा जो आम शहरी के मसाइल हल नहीं कर रहा और चाहे वो ख़त्म नबूवत का उस वक्त एक इशू खड़ा किया गया आ, चाहे या आप जो बैरूनी साजिश का और चोर और झूठ और एक दूसरे को कहने का और लान तहन करने की सियासत है मैं ये समझता हूँ कि लो, लोग इन नारों के पीछे नहीं आ, जा रहे लोग एक्चुअली इस वक्त आ, उनका जो गुस्सा है वो इस सिस्टम की की तरफ डायरेक्टेड है कि ये दिस, ये सिस्टम उनके लिए काम नहीं कर रहा सो और सियासतदानों को इस चीज़ का अदराक है एम एन एम पी ए से अगर आप बात करें तो वो इस चीज को मानते हैं कि आ, हम हम चाहें भी अपनी पूरी कोशिश करके भी तो हम ये मसाइल हल नहीं कर सकते क्योंकि लोगों के मसाइल जो हैं वो रोजाना के जब गटर खुल जाता है तो वो एम पी ए क्या कर सकता है उसके पास कोई मतलब कोई उसके पास सैनिटेशन स्टाफ तो नहीं है ना उसके नीचे कोई ऐसी लोकल गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो क्या करता है कि वो सारा साल दरखास्तें लोगों की जमा करता रहता है लोग आते रहते हैं अगर तो वो एम पी हुकूमत में तो आप जो बात कर रहे हैं कि पेट जैसे एक्सरसाइज होता है तो उसको साल के आखिर में शायद सी एम साहब सौ में से दस कीमें दे देंगे और वो दस कीमे बन जाएंगी लेकिन नब्बे गांव जो हैं वो उसी तरह ही या नबे मोहल्ले जो हैं या गलियां जो हैं वो उसी तरह ही लैंग्वेज करती रहेंगी फिर उनकी बारी दस साल बाद आएगी चार पाँच साल में जिनकी बनी थी उनकी भी टूट जाएंगी सो अब अब हालात यहां तक पहुंच चुके हैं कि अगर आप किसी सिविल सर्वेंट से भी बात करें वो भी अः कहते हैं कि हम इसको नहीं संभाल सकते अः किसी एम एन से बात करें वो भी इस चीज को तस्लीम करते हैं हम नहीं संभाल सकते सो ये करना तो पड़ेगा और सियासतदानों को ही करना पड़ेगा आ, तो इसके लिए एक कोशिश आ, आ, जो मैं समझता हूँ बड़ी ज़रूरी है वो ये कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ कर कम अज कम इस चीज़ पर कंसेंसस कर लें कि लोकल गवर्नमेंट्स ज़रूरी हैं और कुछ चाहे उसमें आइन में तरमीम करनी पड़े कुछ तरमीम तरमीम करके कुछ चीज़ों पर अग्री कर लें कि कौन से मिनिमम फंक्शन हैं जो लोकल गवर्नमेंट्स को प्रोवेंस डिवॉल्व करेंगे ताकि जो गली मोहल्ले के मसाइल हैं वो खुद ब खुद हल होते रहे और लोगों को भी इस तरह के कर्ब और तकलीफ़ का सामना ना करना पड़े ये अगर ज़्यादा देर इसी तरह काम चलता रहा तो मेरे ख्याल में जमहूरीत को बहुत बड़ा ख़तरा है जो आपने तारीखी सवाल पूछा आ, लोकल गवर्नमेंट्स की हिस्ट्री ये इम्प्रेशन काफ़ी हद तक एक पॉपुलर इम्प्रेशन भी अब बन चुका हुआ है कि जी जब भी कोई डिक्टेटर आता है तो लोकल गवर्नमेंट्स को प्रमोट करता है और शायद वो बड़ा डेमोक्रैट मतलब उनकी बड़ी इंटेंशन होती हैं डेमोक्रेसी को प्रमोट करने की और जब भी कोई सियासी हुकूमत आती है तो वो लोकल गवर्नमेंट्स को कमजोर करती है या इंटरेस्टेड नहीं होती और पावर को सेंट्रलाइज करती है तो ये भी मेरे ख्याल में एक चीज तो हमें ये समझने की जरूरत है कि मार्शल लॉज जब भी आते हैं तो वो एक युब खान साहब का जैसे मार्शल लॉ जब आया जनरल खान का तो उन्होंने प्रोविंशियल और नेशनल असम्बली डिजोल्व कर दी उस वक्त कोई असम्बली एग्जिस्ट नहीं करती थी सारी पार्टीज पर बैन लग गया तो फिर उन्होंने एक कंट्रोल्ड डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट दिया कि और उसमें कोई हज़ारों की तादाद में मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन एबडो कवानीन थे और डिसकॉलीफिकेशन लॉज और जो आ, पुराने सियासतदान थे उनको डिसकॉलीफाई करके अपने मनपसंद लोगों को आगे लेके आए फिर उसी लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के तहत प्रेसिडेंशियल सिस्टम हुआ वो इलेक्टोरल कॉलेज बना और उन इलेक्टेड मेंबर्स ने प्रेसिडेंट का इंतखा किया तो उसमें भी वो हम सब वाकिफ हैं कि वो किस तरह फातमा जना को आ, उस इलेक्शन में हरवाया गया और सो वो एक बहुत ही उस लिहाज से तो कॉन्ट्रोवर्शल सिस्टम था और उस सिस्टम की अगर आप बारीकियों में जाएँ तो वो एक्चुअली एक्सटेंशन थी जो ब्रिटिश इंडियन जो राज के जमाने में एक लोकल गवर्नमेंट सिस्टम था कि जी कंट्रोल डेमोक्रेसी होगी कुछ इलेक्टेड लोग होंगे लेकिन उनके ऊपर कमिश्नर और डिप्टी कमिश्नर बैठ के फाइनल अप्रूविंग अथॉरिटी वो होंगे और इसमें भी इस इस, इस आ, यूब खान का सिस्टम तो एक्चुअली वाज इंस्पायर्ड फ्रॉम द ब्रिटिश कलोनियल लोकल गवर्नमेंट सिस्टम फिर जिया ज़्यादा के दौर में भी हमने देखा नॉन पार्टी इलेक्शन जो है उन्होंने एक नई पोलिटिकल क्लास को, को प्रमोट किया जो उनकी हमायती थी या उनके विजन से मुताबकत रखती थी और फिर आपने देखा कि वो वही लोग जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट से उठ के प्रोविशल असम्बलीज़ में आए फिर प्रोविन्शल असम्बली से उठ के नेशनल असम्बलीज में आए बल्कि एक बड़ा इंटरेस्टिंग कंपैरिजन जो है वो ये है कि जैसे जैसे जो हक की लोकल गवर्नमेंट सिस्टम के लोग लोकल गवर्नमेंट से ऊपर आते रहे कुछ लोग कहते हैं कि उसके साथ साथ आप देखें कि सेंट्रलाइज भी पावर ज्यादा होती गई वो जब लोकल गवर्नमेंट से प्रोविंस में गए तो चूंकि उन्हें पता था कि असल ताकत तो यहाँ पे है तो वो सारी पावर्स उन्होंने वहां पे कंसोलिडेट कर ली फिर जब वो फेडरल में गए तो उन्होंने फिर और ज्यादा कंसोलिडेट कर ली परवेज मुशर्रफ का लॉ इसी तरह वो भी एक टोटल आइसोलेशन में बनाया गया उस वक्त कोई नेशनल प्रोविंशल असम्बलीज नहीं थी आ, बड़ा लॉप साइडेड कुछ चीजें उसकी बहुत अच्छी भी थी लेकिन चूंकि उस वक्त कोई सियासी सिस्टम था नहीं कोई उसमें ओनरशिप नहीं थी पॉलिटिकल पार्टीज की ओनरशिप नहीं थी नॉन पार्टी इलेक्शन था कैंडिडेट्स को पहले से पता लग जाता था कि कौन सा कैंडिडेट जो है वो किंग्स पा, मतलब पार्टी का कैंडिडेट है उसको पुलिस की प्रोटेक्शन मिल जाती थी मार्शल लॉ का दौर था जिस कैंडिडेट के आगे पीछे लीड के स्कॉड्स लगे हुए हैं तो फिर उन हालात में तो उसी नहीं जीतना है Uh, so फिर इस वजह से ये सारे लोकल गवर्नमेंट सिस्टम बड़ा कंट्रोवर्शियल हो जाता था जब भी जाता था और पॉलिटिकल पार्टीज आके सबसे पहले इसको इसलिए uh, uh, बंद करती थी या खत्म करती थी या वीक करती थी क्योंकि ये पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी सर्वाइवल एट स्टेक थी ये बट आई थिंक दैट हैज चेंज नाउ और पंजाब में हमने कम अज कम देखा कि ट्वेंटी लोकल गवर्नमेंट पी भी इमरान खान जब इलेक्ट हुए तो उन्होंने बड़े वादे किए थे कि लोकल बड़ा, आ, लोकल बड़ा गवर्नमेंट सिस्टम आएंगे और स्विट्जरलैंड के स्टाइल पे लोकल गवर्नमेंट फॉर्म करेंगे सो आई थिंक वो आ, बट वो बट कर नहीं सके बल्कि उन्होंने तो उल्टा कर दिया कि डिसॉल्व करके फिर इलेक्शन नहीं कराए बट आई थिंक दट इज ए नीड टू एक्चुअली पोलिटिकल पार्टीज को बिठा के कम इसको कम लोकल गवर्नमेंट्स पे कोई एग्रीमेंट करा लें कि जी आप एक दूसरे का मैंडेट एक्सेप्ट करेंगे इंटरप्ट नहीं करेंगे ये टर्म्स पूरी करेंगी आ, पी एफ सी अवार्ड जो है वो एक्विटेबल होगा यूनियन काउंसिल लेवल पर रिसोर्स जाने चाहिए हर महीने ट्रांसफर होनी चाहिए और इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं एक फ़ायदा तो ये कि जो आपकी डिस्क्रशनरी एक्सपेंडिचर है डेवलपमेंट का प्रोविंस का वो उसमें कोई इस तरह के चेक नहीं है कि किस डिस्ट्रिक्ट को कम से कम कितने पैसे जाने चाहिए वो 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 सीएम एम की स्वाबदीत पर है या आ, प्लानिंग डिपार्टमेंट वो एडीपी बनाती है और वो कैबिनेट से अप्रूव होके जाती है बट एक अगर लोकल गवर्नमेंट सिस्टम इफेक्टिवली चल रहा हो तो हर डिस्ट्रिक्ट को उसका ड्यू शेयर जो पी एफ फार्मूला के तहत कैलकुलेट किया होता है वो कम अज कम एक मिनिमम अमाउंट उनको मिल रही होती है कि वो अपनी नीड्स पूरी कर सकें इससे इसके ना होने की वजह से डिस्पैरिटीज ने जन्म लिया कुछ इलाके आगे निकल गए कुछ पीछे रह गए और अब तकरीबन हर जगह ये जो नए सूबों की आवाज़ है वो उसमें कुछ किरदार इस चीज़ का भी है कि हमने पावर को बहुत सेंट्रलाइज रखा तो आप जितना इसको तोड़ेंगे जितने इख्तियार नीचे तक देंगे डिस्ट्रिक्ट तहसील लेवल पर लोगों की उतनी जो एक आ, सेंस ऑफ डिप्रीवेशन है वो कम होगी आपने आपने पॉइंट रेज किया कि डायलॉग होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के 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 बीच में इस चीज के ऊपर तो आपका एक नया इनिशिएटिव भी है पाकिस्तान लोकल डेमोक्रेसी डायलॉग क्या उसका यही इरादा है uh, मैं जानना चाहता हूं कि उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं इस इनिशिएटिव के और uh, क्या प्लान है आपका कि के, uh, के, uh, इस तरह का डायलॉग अचीव किया जाए और उस डायलॉग के साथ साथ और क्या इसके एस्पेक्ट्स हैं सो एक तो दो तीन चीजों की आ, कमी मैंने महसूस की आ, कि एक तरफ तो जो हमारी इस वक्त पाकिस्तान में आ, पॉलिटिक्स जो इश्यूज डिक्टेट कर रहे हैं वो उसमें ये जो सारे अहम बुनियादी मसाइल हैं और जो सिस्टम को ठीक करने वाली बातें वो, वो सुनाई नहीं देती हैं वो गुम हो जाती हैं सो आ, Uh, कराची में बारिश हो जाए तो क्या होता है वो एक दिन खबर रहती है दूसरे दिन नहीं होती इस्लामाबाद right. में तूफानी बारिश आ जाए तो यहाँ पे सेक्टर डूब जाए तो वो एक दिन खबर रहती है अगले दिन नहीं रहती इसी तरह स्मॉग हर साल आएगी चली जाएगी बट ब्रेकिंग न्यूज जो है वो यही रहेगी कि सो uh, so, एक तो हमारी कोशिश uh, इसमें ये होगी कि uh, लोगों uh, एक तो इसकी डिमांड क्रिएट की जाए अब uh, पाकिस्तान हैज uh, पॉपुलेशन और वो यंग पॉपुलेशन ज़्यादा देर इंतज़ार नहीं करेगी किसी का आ, 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 सो दैट और और दूसरा वो आ, इस वक्त जो डिजिटल टूल्स इस्तेमाल कर रही है इंफॉर्मेशन एक्सेस जो है वो हर गांव गांव तक पहुंच रही है आ, और वोटर बड़ा वेल अवेयर है सो एक कोशिश तो ये कि के लोकल गवर्नमेंट क्या है क्यों अहम है ये वोटर्स को और सिटीजन तक भी ये बात पहुँचाई जाए ताकि इसकी एक डिमांड जनरेट हो और वो पोलिटिकल पार्टी से मुतालबा करें कि ये हमारे मसाइल हैं और वो वॉइस करें अपने मसाइल ये कि माजरत के साथ जो घिसे पिटे नरेटिव हैं उनको आ, ब्लाइंडली फॉलो करें दूसरी चीज ये है उसमें दूसरा कॉम्पोनेट ये कि पोलिटिकल पार्टीज को थोड़ा कोशिश किया जाए नज़ किया जाए टू टू टूगेदर एंड अग्री ऑन सर्टनो रूल्स एंड लोकल कैन वर्क कुछ मिनिमम चीज़ों पर कंसेंसिस कर लें कराची uh, जो है वो इतना बड़ा शहर है लेकिन वहाँ पर ये बहुत अब सीरियस uh, नोयत का कॉन्फ्लिक्ट इस चीज़ से जन्म ले रहा है कि उस शहर में लोगों के पास uh, कभी भी उस शहर के अंदर जो महाजिर पॉपुलेशन uh, है उसको कभी हुकूमत करने का हक नहीं मिलेगा अपने शहर में भी नहीं मिलेगा क्योंकि वो तो उस शहर की हद तक अक्सरियत है Uh, तो ये uh, अब ये मसाइल बड़े सीरियस नोयत के होते जा रहे हैं पूरी दुनिया में किसी शहर का कॉस्मोपॉलिटन नेचर जो है वो उसका एसेट काउंट होता है वहाँ पे डाइवर्सिटी उस शहर का एक उसको मेल्टिंग पॉट इज अ टर्म यूज्ड फॉर सिटीज जो यू you नो know, के के भाई बड़ी यहाँ पे हर किस्म के लोग रहते हैं कराची इज आर कराची इज दैट सिटी बट अनफॉर्चुनेटली वो जो उसका एडवांटेज था वो उसका डिसएडवांटेज बन गया क्योंकि वहां पर राइट ऑफ रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा लोगों को और एक सो uh, so एक 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 एस्पेक्ट तो ये है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज के साथ कोशिश की जाए कोई मिनिमम कंसेंसिस या एक चार्टर डॉक्यूमेंट बनाया जाए जिस पे वो अग्री करें और तीसरा पहलू ये होगा कि जब लोकल गवर्नमेंट रिफॉर्म पर बहुत कम काम, -काम uh, इस मुल्क में अभी तक हुआ है uh, और uh, जो सिटीज़ के नए चैलेंजेस अब इमर्ज कर रहे हैं इन द फेस ऑफ क्लाइमेट चेंज Uh, uh, जो ट्रैफिक कंजेशन इमिशंस uh, एनर्जी एफिशेंसी uh, you know, मिक्स्ड यूज कि लैंड यूज कैसा होगा ये डिबेट्स हमारे यहाँ अभी तक शुरू ही नहीं हुई सो यू नो और इतना uh, इंस्टीट्यूशनल केयर्स है सिटी लेवल पर कि आठ दस एजेंसीज जो हैं वो बैठ के ओवरलैपिंग जो हैं ओवरलैपिंग फंक्शन हैं सो होपफुल दर्ड You know, so one is uh, one is uh, awareness and engagement with the citizens. The other is advocacy, and the third aspect is research, and uh, hopefully creating a policy toolkit for politicians. Uh, you know, to help them uh, undertake reform and uh, uh, you know structure local governments that are responsive, uh, democratic, or just. Baki mein shahar chalne aur abadiyan chalne आ, उसके करीब करीब ला सकें बहुत एक्साइटेड है अहमद और आई uh, होप कि जो भी रिसोर्स और जो भी सपोर्ट uh, आपको इस uh, इस इनिशिएटिव के लिए चाहिए वो आप uh, हासिल कर सकें um, अब मेरे कुछ सवाल हैं लोकल गवर्नमेंट के कुछ डिटेल्स के ऊपर कि कुछ रिसर्च uh, पे बेस्ड हैं कुछ जो लोगों के अख्तलाफात होते हैं लोकल uh, गवर्नमेंट की इफेक्टिवनेस के ऊपर वो है मेरा पहला सवाल है वो है लोकल गवर्नमेंट की कैपेसिटी के ऊपर तो जब मैं लोकल गवर्नमेंट में फिर रिसर्च कर रहा था पाकिस्तान में मोस्टली पंजाब के सूबे में तो एक आइडिया जो कि बहुत ज्यादा सरकारी अफसरान उस आइडिया उस को सपोर्ट करते थे वो ये था कि जी हम तो लोकल गवर्नमेंट लोकल लेवल पर डिवॉल्व चीजें नहीं कर सकते हैं बिकॉज वहां पर तो कोई नहीं है वहां पे तो ह्यूमन रिसोर्स इतने इतने के हालात इतने खराब हैं कि अगर हम उनको पैसे दे देंगे या उनको इख्तारात दे देंगे तो वो तो सब कुछ तहस नहस कर देंगे ये तो हमें ही पता है हम लाहौर में बैठे हैं सरकारी हुकूमत है चला रहे हैं या फिर हमारा एक नुमाइंदा जाता है डी के तौर पर उस जिले में जो कि पढ़ा लिखा होता है और वो सरकारी अफसर है बाबू है तो वही एक शख्स है जो कि लोकल लेवल पे म्यूनसिपल मसलों को हल कर सकता है लोकल लेवल पे तो कोई भी कोई भी कैपेसिटी नहीं है तो ये कंसर्न कितनी वैलिड है और मतलब जिस हद तक ये वैलिड है जाहिर बात है ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी के मसले तो पाकिस्तान में तो अगर ये कुछ हद तक वैलिड है तो हम क्या कर सकते हैं कि कि लोकल गवर्नमेंट की कैपेसिटी को हम कर सकें, कि वो ये जो काम जो आप बता रहे हैं जो विजन है आपका वो इसको इफेक्टिवली पूरा कर सके बड़ा इंटरेस्टिंग क्रिटिसिज्म है और अगर इस वक्त हम 2022 में ना बैठे होते और फर्ज करें Uh, 1922 में बैठे होते तो तब भी इसी तरह के दलाइल दिए जा रहे थे जब एक स्ट्रगल फॉर पॉलिटिकल राइट्स चल रही थी कि जी ये तो यहाँ पर तो जहालत है ये लोग तो आपस में एक दूसरे को मार देंगे लूट लेंगे सो uh, so एक एक आई थिंक एक 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 थिंक लॉन्ग ड्यू है जब हमने पाकिस्तान की रियासत आज़ाद करा ली तो उसके बाद हमने मेरा ख्याल है बहुत सारी चीजें नहीं सोची हमने कुछ लेगेसी इंस्टीट्यूशन इनहेरिट किए जो बिजनेस एज यूजल और उनकी ट्रेनिंग और उनका ट्रेडिशन वो सारा उस कलोनियल थिंकिंग में रूटेड था जो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी से इनहेरिट किया था और आ, मेरा ख्याल है कि अगर मतलब जब जब कोई इस तरह की बात की जाती है कि कैपेसिटी कैपेसिटी कंस्ट, कंस्ट्रेंट्स हैं बेशक हैं बिल्कुल हैं आ, लेकिन उनको पुर करना उनको फिल करना आ, मुश्किल काम नहीं है बल्कि अगर आप रिसोर्स को लोकल लेवल पर डिसेंट्रलाइज करेंगे तो मेरा ख्याल है कि ज़्यादा एफिशिएंटली पैसा खर्च होगा जब कम्युनिटी की ओवरसाइट होगी और होता है इस तरह के यहाँ पर कहने को ये बातें बड़ी आ, सुनने में आ, लगती है मतलब बंदा डर जाता है लेकिन एक्चुअली अगर कोई यूनियन काउंसिल का चेयरमैन दस हजार रुपए की हेरा पेरी, फेरी करे तो सारी जिंदगी के लिए उसके साथ टैग लग जाता है कि जी ये तो सारे पैसे खा गया दस लाख रुपए खा गया करोड़ों रुपए खा गया तो मतलब ऐसी बात नहीं है कि यहाँ पे कोई चोरी हर बंदा चोर है आ, और मैं इसका दूसरा सवाल मैं इस तरह पूछता हूँ कि एज अपोज टू वट मतलब हम पिछले सत्तर साल क्या करते रहे हैं आज मतलब लाहौर जैसे शहर में जो लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो करप्शन का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है लाहौर शहर में वहाँ पे जो बिल्डिंग कंट्रोल जिस फीस जो आपकी सरकार की फीस ड्यू होती है उससे कई गुना ज्यादा इंस्पेक्टर की फीस होती है जो आपने उसको दिए बगैर आप अपना नक्शा अप्रूव नहीं करा सकते तो मतलब ये मसला लोकल गवर्नमेंट का नहीं है ये मसला एक्चुअली ट और जिस तरह अकाउंटेबिलिटी को हमें इन बिल्ड करना चाहिए जो कि लोग अकाउंटेबिलिटी करते हैं सबसे बेहतर कि आप जब यूनियन काउंसिल पर पैसे दे रहे होते हैं तो लोगों को पता होता है कि हमारी यूनियन काउंसिल में महीने के कितने पैसे आते हैं कितने लगते हैं कैसे लगते हैं कहाँ लगते हैं हर वार्ड से कोई ना कोई मेम्बर होता है वार्ड छोटा सा होता है उस मेम्बर को हर कोई गली पे उस, उस मोहल्ले में जानता होता है वो उसका दरवाजा खटखटा के कभी भी उसको जाके पकड़ सकता है सो so, सो so, असल अकाउंटेबिलिटी तो ये होती है कपेसिटी uh, 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 मतलब uh, अगर लोकल गवर्नमेंट्स ना हों और uh, वही इदारे जो हैं वो नॉन इलेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर्स के मातहत हों तो फिर कैपेसिटी ठीक हो जाती है लेकिन अगर इलेक्टेड लोग इलेक्ट होके आ जाएं तो फॉरन कैपेसिटी बहुत बड़ा इशू बन जाती है और बल्कि फिर वो कहते हैं कि ये इख्तियारात वापस लेने शुरू कर दें अब मतलब आप देखें कि इस वक्त जो अनचेक्ड स्प्रॉल है जो हाउसिंग सोसाइटियां मैसिव स्केल पे बनी जा रही हैं बनी जा रही हैं जम्मू के बॉर्डर तक मेरे जिले में हाउसिंग सोसाइटीज बन रही हैं ये सारी आ, लोकल गवर्नमेंट के नाकदीन ने अप्रूव की हुई है इनमें से लोकल गवर्नमेंट्स ने तो बहुत थोड़ी अप्रूव की हुई हैं और ये मतलब सवाल उनसे भी पूछना चाहिए जो तनकीद करते हैं कि मतलब आ, अभी तक तो ये आ, ये इस, इस सिस्टम ने क्या डिलीवर किया लोगों के लिए आ, और कैपेसिटी के इश्यूज बड़ी आसानी से एड्रेस हो सकते हैं आ, आपने आ, लोकल गवर्नमेंट के अंदर अच्छे ऑफिसर्स को प्लेस करें जो आपकी सिविल सर्विसेज अगर अगर तो अच्छे ऑफिसर्स इस नीयत से जॉइन करते हैं सिविल सर्विस के हमने जाके शहरों में और डिस्ट्रिक्ट्स में आ, सर्व करना है तो फिर पोजिशन क्रिएट करें सिटी मैनेजर की अपने आप को ट्रेन करें आ, उस रोल के लिए आ, और मैं समझता हूँ कि इससे अच्छा सियासत में जो लोकल लोकल पॉलिटिक्स है उससे ज्यादा इम्पैक्ट आप कहीं और नहीं देख सकते नेशनल पॉलिटिक्स और मुल्कों को चेंज करने में सदियाँ लग जाती हैं लेकिन अपने गाँव को अपने शहर को बेहतर आप अपनी जिंदगी में करके देख सकते हैं और वो जो आप पौधा लगाते हैं वो अपनी जिंदगी में देख सकते हैं और दूसरा सवाल है फाइनेंशियल फाइनेंशियल एम्पावरमेंट का तो वो तो आ, हमने मुशरफ के मॉडल में भी देख लिया कि मुशरफ के मॉडल में बेतहाशा रिसोर्स जो हैं वो लोकल गवर्नमेंट्स को हैंड ओवर किए गए लोकल गवर्नमेंट्स ने काम करके दिखाया अभी तक नारोवाल में बहुत सारी वाटर स्कीम्स जो हैं जो वाटर वार्ट, फिल्ट्रेशन प्लांट्स हैं वो उसी दौर के लगे हुए हैं बिकॉज उस वक्त इनके पास लिक्विडिटी थी फिर तीसरी चीज़ ये कि लोकल गवर्नमेंट्स का अपना रेवेन्यू पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है जो आपकी सिटीज़ का अर्बन प्रॉपर्टी टैक्स है हम लोग अभी तक अंग्रेज़ के दिए हुए बल्कि अपने नाइनटीन के ही अपने बनाए हुए एक बड़े ऑब्सिलीट किस्म के प्रॉपर्टी टैक्स रिजीम के साथ जुड़े हुए हैं जो रेंटल वैल्यूज़ पे टैक्स कैलकुलेट करता है और कई जगह बड़े घरों का टैक्स जो है वो छोटे घरों से कम होता है इतना कॉन्टेड सा फॉर्मूला है सो so अगर हम ये दो तीन चार बेसिक चीजों को रिफॉर्म कर लें प्रॉपर्टी टैक्स को रिफॉर्म कर लें ये जो दुनिया भर में अब टैक्स इंस्ट्रूमेंट्स यूज हो रहे हैं टैक्स इंस्ट्रूमेंट फाइनेंसिंग है आप डाउन टाउन में एक स्पेशल प्रोविजनिंग करके बिड्स नीड्स बना सकते हैं प्राइवेट सेक्टर को आउटसोर्स कर सकते हैं द सल्यूशन आर देर ये तो आ, मेरा ख्याल है ना करने वाली इसमें तो कोई बहाना नहीं और अगर आपने चलिए ये मान भी लिया जाए कि जी कैपेसिटी नहीं है तो एक एक ट्रांजिशनरी अरेंजमेंट करके जो हमने पंजाब के लोकल गवर्नमेंट एक्ट में भी एक एक कमीशन बनाया था जिसको एम्पावर किया था कि वो आ, दो साल बाद या तीन साल बाद आ, ये जो फंक्शंस हैं डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के और सारे ये कम्प्लीटली वेस्ट कर देगा सिटीज़ के अंदर आ, आप को, कोई ना कोई ऐसा अरेंजमेंट भी इनवेज कर सकते हैं आ, बट आ, फंडामेंटली यू हैव टू ट्रस्ट द पीपल एंड इफ सेज के लोगों में कैपेसिटी नहीं है एंड इफ सेज के लोग अपने शहर को या मोहल्ले को या गांव को अच्छी तरह नहीं चला सकते तो आई डोंट नो टू टू दैट एक एक मैं आ, और पहलु भी बात करना चाहूंगा वो ये है कि जो एक, एक आर्ग्यूमेंट है लोकल गवर्नमेंट के सपोर्ट में वो और ख़ास तौर पर मतखिब नुमांदों की सपोर्ट में इलेक्टेड लोकल गवर्नमेंट की सपोर्ट में वो ये कि लोकल लेवल पर जो मंतख नुमाइंदे हैं वो लोगों की प्रेफरेंसेज को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि जो लोकल लेवल पर यूनियन काउंसिल का वार्ड चेयरपर्सन वार्ड मेम्बर है या यूनियन काउंसिल चेयरपर्सन है वो उसको बहुत अच्छे तरीके से मौजूद है कि लोग चाहते क्या हैं और उसकी वजह से वो एक बहुत, बहुत बेहतर पोजिशन में है कि वो लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक फैसले कर सके। तो इस इशू के ऊपर मैंने खुद कुछ रिसर्च की थी अपनी पीएचडी के दौरान और ये रिसर्च लाहौर में थी और उस रिसर्च में ये नज़र आया कि यूनियन काउंसिल के जो चेयरपर्सन और वार्ड मेंबर्स हैं लाहौर में 270 यूनियन काउंसिल्स में उनके पास एक्चुअली जो मालूम हैं लोगों की के, के, के बारे में वो एक्चुअली बहुत अच्छी नहीं है कि अगर कोई एक जिसमें कहते हैं ना रैंडम गैस कर रहे हैं तुक्का मार रहा है कोई तो वो जो जो बंदा तुक्का मार रहा है उससे कुछ ही बेहतर है इन, इन, इन की की मालूम लेकिन एक और भी फाइंडिंग थी जो कि ज्यादा इंकरेजिंग थी वो ये थी कि जब हमने एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर इन मुंत नुमाइंदों को जाके सही मालूम दी लोगों की के बारे में तो वो एक्चुअली उन्होंने अपने फैसले चेंज किए वो रिस्पॉन्सिव थे तो मतलब दो बातें नजर आई कि

these institutions will grow with continuity these institutions will grow with uh, sort of you know as as people you know uh, elect uh, a new head every four or five years uh, competing visions for the neighborhood will emerge competing ideas for the city will emerge or uh, लेकिन जब बदकिस्मती से हम आ, ये जो स्टॉप स्टार्ट्स करते हैं कि हम दो तीन साल के लिए लोकल गवर्नमेंट ले आते हैं फिर दस साल तक भी लोकल गवर्नमेंट्स नहीं होती तो एवरी टाइम एन एंड वी कम अप विद अ न्यू लॉ एवरी टाइम तो दी सिस्टम स्टार्ट स्टार्ट फ्रेश दे फ्रॉम जीरो पीपल जस्ट यू नो इट्स इट्स लाइक यू स्टार्ट क्लीन स्लेट जब मैंने लोकल गवर्नमेंट uh, अपना टेन्योर शुरू किया एज द हेड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट इन ऑन जनवरी फर्स्ट ट्वेंटी सेवनटीन तो उस वक्त पूरी काउंसिल नारोवाल का जो कैश uh, था वो उसका अकाउंट मैंने चेक किया जो मैंने बुलाया हमारे जो फाइनेंस के हेड थे उन्होंने कहा आज का अकाउंट बैलेंस है जीरो uh, और अब चूंकि ये एक नया सिस्टम आया है, तो प्रोविंशल गवर्नमेंट ने सारी एसेट्स और सारी जो कैश बैलेंस और लाइबिलिटीज थी वो ज्यूम कर ली हैं और सब को दोबारा से ज़ीरो पे शुरू कर दिया तो आप पहले छः साल जो है छः महीने जो है वह टैक्स कलेक्ट करते हैं फिर यू नो से आप बजट भी बना लेते हैं तो पहले एक साल हम बैठे हुए सिर्फ हमारा फोकस था कि अब हम टैक्स कलेक्ट करें और ट्रांसफर्स का वेट करें ताकि हमारे पास इतने पैसे हों कि हम वो काम शुरू कर सकें जो हमने अपना डेवलपमेंट प्लान दिया हुआ है सो so, सो so ये ये मसाइल होंगे लेकिन आई सस्पेक्ट कि ये रिजल्ट चेंज हो जाएंगे जब आप जब आप बार बार इलेक्शन कराएंगे तो तो ये चीजें ये चीजें चेंज होंगी और यही डेमोक्रेसी की खूबसूरती है कि इंस्टीट्यूशन ग्रो करते हैं और कॉम्पिटिशन जब आता है अगर कोई फेल करता अगर अगर डज नॉट मेक एन एफर्ट नो to 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 reach out out the the constituents and figure out what really resonates with them then you know they they will most probably end up losing the election उट ये एक सिस्टम को चलने दें तो मेरा बुद्ध ये अपनी चीजें सीख लेगा नहीं ये बहुत आपने बहुत आपने अच्छी बात की और ये थिंक डेमोक्रेसी के डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी चाहिए होती है आपको एक सिस्टम को इवॉल्व करने में एक सिस्टम को मज़बूत होने में आ, बेहतर पॉलिटिशियंस आहिस्ता आहिस्ता बनने में तो ये डेमोक्रेटिक कंटिन्यूटी होगी तो फिर इस तरह के रिजल्ट हम बेहतर तरीके से आ, देखेंगे एक और चीज़ जो बड़ी अहम है वो है कि अभी तक हम लोकल गवर्नमेंट सिस्टम्स को अब जो नया भी सिस्टम आया है उसमें हम वन स्ट्रॉग स्ट्रॉग मेयर मॉडल पे चले गए हैं जिसमें काउंसिल बिल्कुल आ, does not figure इन टू द यू नो पावर डाइनामिक्स ऑफ लोकल गवर्नमेंट ये मसलिनी के डॉक्टर अली चीमा ने इस पर आर्टिकल भी लिखा कि ये मसुलीनी का जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का सिस्टम था उससे इंस्पायर्ड सिस्टम है सो आई थिंक ये हमारे मुल्क में और हमारे जिस तरह का माशरे जो भी इवॉल्व कर रहा है वहाँ पर ये बहुत ख़तरनाक साबित होगा बल्कि हमें सेफ गार्डस और जो रखने चाहिए वो ज़्यादा से ज़्यादा हमें कोशिश करनी चाहिए कि कम्युनिटी की पार्टिसिपेशन हो सिटीजन की पार्टिसिपेशन हो और मैंडेटरी पब्लिक की हेरिंग uh, कुछ जैसे एटलीस्ट वार्ड लेवल पे या यूसी लेवल पे मैं तो इस हद तक कहूँगा कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी के आप गांव का गांव को इकट्ठा करके एक वहाँ पे बेशक उनसे एक बजट डॉक्यूमेंट पे एक सिटीजन बजट लेके आए या उनसे वोट कराएं सो so, ये चीजें सिस्टम के अंदर भी बेहतर तरीके से बिल्ट इन की जा सकती कि जहाँ पर जो इलेक्टेड नुमाइंदे हैं काउंसिल नॉट गेट अवे विद आ, 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 क्या कहना चाहिए उसमें कोई एडिजम ना हो तो हम इंस्टीट्यूशन की बात करें तो एक आम... हमारे जमहूरी इंस्टीट्यूशन हैं उसमें एक जो हमें कमी नज़र आती है वो ये है कि खातन की और जो हमारी रिलीज़स माइनॉरिटीज हैं उनकी रिप्रजेंटेशन में हमें कोई ना कोई मुश्किल पेश आती रहती हैं आ, उनकी वॉइस को पार्लियामेंट के अंदर प्रोवेंशल लेवल पे नेशनल लेवल पे रिप्रेजेंट करने के लिए हमने एक इंस्टीट्यूशन शुरू किया विच इज़ रिजर्व सीट ऑफ ठीक है और वही इंस्टीट्यूशन जो है फिर लोकल लेवल पे भी नजर आता है हमें कि हम जो यूनियन काउंसिल है उसके अंदर एटलीस्ट लाहौर में दो, दो सीटें आ, उस टाइम पे रिजर्व थी दो हजार आ, जो सीटें इसके अंदर आप थे दो सीट रिजर्व थी खुतिन के लिए एक सीट थी अकलियतों के लिए एक सीट थी यूथ रिप्रेजेंटेटिव के लिए तो क्या आपके ख्याल में ये जो सिस्टम है सीटें रिजर्व करने का ये उनके इंटरेस्ट को मीनिंगफुली रिप्रेजेंट करता है एक चीज जो मैंने देखी थी आ, लाहौर की यूनियन काउंसिल्स में एटलीस्ट वो ये थी कि जो खात नुमा नुमाइंदागान थी उनको उस हद तक मैंने एम्पावर्ड नहीं देखा जो मैंने मेल रिप्रेजेंटेटिव्स को देखा और उसकी पार्टली वजह वजह ये थी कि वो डायरेक्टली इलेक्ट नहीं हुई हुई थी उनको जब उनकी पार्टी जो जीती उनको उस हिसाब से नॉमिनेट किया गया था पार्टी की की तरफ से और वो उसमें ये भी एक जाहिर बात है जो अक्सर मसला होता है कि वो अक्सर ऐसी वो वो खुतन थी जो कि काउंसिल मेंबर्स uh, की फैमिली में से भी मौजूद थी और उनको उतनी अदना आजादी दी गई थी काउंसिल में बात करने की ना उनको इतने रिस्पॉसिबिलिटीज दी गई थी और यही चीज मैंने देखी जो माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव थे उनकी कि उनको एक एक सॉर्ट ऑफ टोकन के तौर पे रखा तो गया काउंसिल में लेकिन उनकी इतनी बात नहीं सुनी गई तो आप खातन और माइनॉरिटीज की रिप्रेजेंटेशन को आइडियली किस तौर पर देखते हैं और अगर रिजर्व uh, सीट्स नहीं सही तो क्या बेहतर तरीका इस चीज़ का uh... रिजर्व सीट्स जो हैं वो बहुत अहम हैं ख़ास पर जो मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस uh, और सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी हैं बट uh, हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये क्यों रखी गई हैं बेसिकली इट्स अ फॉर्म ऑफ अफर्मेटिव एक्शन तो अगर uh, ये सीटें हमने इसलिए रखी हुई हैं कि हमने कोई uh, कोई uh, मतलब uh, दुनिया को बताने के लिए कि जी हमने इतने फ़ीसद सीटें रखी हुई है लेकिन उन सीट्स का कोई मीनिंगफुल रोल नहीं है ना पार्लियामेंट में नेशनल असम्बली में प्रोविंशल असम्बली में लोकल काउंसिल्स में तो ये मतलब ये सवाल उठाना बहुत ज़रूरी है और मैं तो बल्कि इस हद तक कहता हूँ क्योंकि मैं ख़ुद इस निज़ाम के अंदर रहा हूँ लोकल गवर्नमेंट के कि ये जो सीट्स हैं ये अब आ, टूल्स फॉर सब्जुकेशन ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप्स बनते जा रहे हैं और फॉर वूमेन बनते जा रहे हैं क्योंकि इनके पास ना कोई मैंडेट होता है डायरेक्ट जैसे आपने कहा ये जब हाउस में बात करने की कोशिश करती हैं या कोई मुतालबा करती हैं अपने कंस्टिटुंट्स के लिए या अगर खुवातन कोई ख़्वीन का मसला उजागर करती हैं तो वहाँ पर उन पर लोग खड़े हो जाते हैं कि जी बाजी तुम बैठो आ, असी वोट लेके आए नए पहले सूँ गाल दो और और वहाँ पे जाहिर है एक काउंसिल में रिसोर्सिस की तो आ, कम्पीट कर रहे होते हैं एवरी मेम्बर इज कम्पीटिंग फॉर मोर रिसो फॉर देयर कंस्टिटूंट और उस उस सारे में आ, ये लोग पीछे रह जाते हैं क्योंकि ये आ, एक तरह की आप समझ लें कि पार्टीज एक लिस्ट फर्निश करती हैं और आ, पार्टी चूज करती है कि कौन नंबर वन होगा कौन नंबर टू होगा कौन नंबर थ्री होगा तो वो भी फिर खामोशी से बैठ जाते हैं कि चलो जी पार्टी ने हम पे मेहरबानी तो की हुई इतनी कि हम असेंबली में आके बैठे हुए हैं या काउंसिल में आके बैठे हुए इस सिस्टम की भी अगर तारीख में आप जाए ना तो ये उन्नीस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में पहली दफ़ा रिज़र्व सीट्स का तस्वर आया था और आ, उस वक्त आ, जितना मैंने मुताे किया है उस वक्त ये एक टेम्प्रेरी मेजर था दस साल के लिए या एक फिक्स टर्म के लिए कि जी ये चलेगा और फिर इनको डायरेक्ट इनकी सीट्स का इलेक्शन जो है वो डायरेक्ट होगा या इनको इतना एम्पावर किया जाएगा कि ये पॉलिटिकल प्रोसेस मेन स्ट्रीम का हिस्सा बन जाएंगे और 1935 है और आज 2022 है आ, इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा कि ये जो तकरीबन नब्बे साल गुजर गए एक सदी गुजरने वाली है तो हम से एक सदी में इन, इन सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी को पावर ही नहीं कर सके कि ये खुद से डायरेक्ट इलेक्शन लड़ सकें तो मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल मेरी जाती राय ये है और मेरी पोजीशन भी हमेशा यही रही है कि खातन को कम अज कम काउंसलर्स को बैलेट पेपर पे उनका नाम होना चाहिए इसी तरह माइनॉरिटी रिलीजस माइनॉरिटीज नॉन मुस्लिम्स हैं उनका भी बैलेट जो है वो तो एक जनरल कैंडिडेट की तरह वहाँ पर डायरेक्ट वोट कम अज़ कम होना चाहिए और यही एक तरीका है जिससे हम इंश्योर कर सकते हैं कि असल रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो इलेक्ट होकर इन काउंसिल्स और असम्बलीज में आए ना ये कि जिसको यू नो जो भी जिस किसी का ताल्लुक अच्छा है कोई uh, किसी को जानता है उन कनेक्शंस के थ्रू uh, और आई थिंक ये डेमोक्रेटिक स्पिरिट भी इसी में ही है इससे पार्टीज़ की भी पार्टीज को भी फायदा है क्योंकि पार्टीज़ जो हैं वो आ, उनकी अब ख़ीन जो हैं वो तकरीबन पचास फ़ीसद वोटर हैं और उनके इश्यूज अहम हैं इस मुल्क में आए रोज़ कोई ना कोई आ, ऐसा वाक़ होता है जिससे हमें इस चीज़ का खुल के सामने आ रही है कि इस मुल्क में ख़वान के लिए क्या मसाइल हैं और उनकी आ, उ, रोजाना की बुनियाद पर कि वो हरासमेंट घर से बाजार जा जाने तक का सफ़र जो मुश्किल है सो वो जब तक इन इन लोगों को मीनिंगफुल वॉइस जब तक खुवान को नहीं मिलेगी माइनॉरिटीज़ को नहीं मिलेगी डिसीजन मेकिंग में तो ये चीज़ें एड्रेस नहीं हो सकेंगी मैं डायरेक्ट इलेक्शंस का बहुत बड़ा हामी हूँ इन लोगों के लिए और आई थिंक ये चाहे हम वो आ, आ, मतलब इलेक्टोरल मेथड पे हम आ, जो मर्जी हो बट वी कैन इंश्योर के इन लोगों को डायरेक्ट इलेक्शन uh, जो है वो मिले अगेंस्ट देयर रिजर्व सीट्स इसमें एक एक आइडिया जो जो इंडिया में लोकल गवर्नमेंट्स ने बहुत ट्राई किया हुआ है जिससे आप जाहिर बातें फेमिलियर होंगे वो कोटास का है राइट के कुछ रैंडम uh, तौर पे uh, कुछ गवर्नमेंट्स के कुछ सीट्स को रिजर्व कर दिया जाए इन द सेंस के इस सीट पर इलेक्शन तो होगा लेकिन इस इलेक्शन में सिर्फ ख़वान ही खड़ी हो सकती हैं या इंडिया में जो उनकी स्केज कास्ट हैं सिर्फ वही खड़े हो सकते हैं तो उसकी वजह से इलेक्शन भी होता है और फिर वो वो जो पॉलिटिकल स्ट्रेंथनिंग एक तरह से होती है कि आप इलेक्शन में लड़ेंगे लेकिन आपको आहिस्ता आहिस्ता आपके कंस्टिट्यूंसी डेवलप होना शुरू हो जाएगी तो वो भी एक आइडिया है जो कि आई थिंक पाकिस्तान में भी शायद ट्राई किया जा सकता है आखिर में मैं आपसे जानना चाहूँगा अहमद कि आपकी क्या कैसी क्या रिकमेंडेशन हैं अपने लिसनर्स के लिए जो जानना चाहते हैं और लोकल गवर्नमेंट्स की वैल्यू के बारे में या कोई एक्शन लेना चाहते हैं खुद लोकल गवर्नमेंट को सपोर्ट करने के लिए तो आप ऐसे लिसनर्स को क्या कहेंगे कि वो क्या कर सकते हैं आई थिंक सबसे पहली चीज तो मैं सुनने वालों को यह कहूँगा कि अपनी थोड़ी सी आवाज का जो वॉल्यूम है उसको ऊपर करें और उन चीज़ों का मुतालबा करें जो आपके लिए अहम हैं आपके लिए अच्छे स्कूल अहम हैं आपके लिए अपने गांव की का बी एच यू या हस्पताल अहम है आपके लिए पीने का साफ़ पानी अहम है आपके लिए क्या अहम है आ, ये क्या वजह है कि इस वक्त पाकिस्तान की सियासत में ये सारे मसाइल जो हैं वो ना मेन स्ट्रीम मीडिया में आ, इन पर कोई बात कर रहा है ना सियासी जलसों में इन चीज़ों पर बात हो रही है तो एक तो हमें अपने आप से सवाल पूछने की ज़रूरत है कि हमारा आ, कि क्या आ, एक शहरी जो है वो हॉस्टेज है जो इस वक्त सियासी बयानिए चल रहे हैं या एक शहरी की आवाज पर सियासी बयानी बनने चाहिए इस बात में कोई शक नहीं कि आ, हर पाकिस्तानी चाहे वो गांव में रहता हो या शहर में रहता हो उसकी ज़िंदगी मुश्किल है यहाँ पर ई सेवन में भी साफ़ पानी नहीं आता इस्लामाबाद में जहाँ पर मेरे इस्लामाबाद में वालदे जहाँ पर रिहाइश पजीर हैं वहाँ पर भी हमें कभी कभार हफ्ते में एक दफ़ा पानी का टैंकर मंगवाना पड़ जाता है तो आ, जो लोग तो अफोर्ड कर सकते हैं उन्होंने गेटेड कम्यूनिटीज़ में अपने अपने प्लाट्स ले लिए हैं वहाँ पर वो उस हाउसिंग सोसाइटी को पैसे देकर चौकीदारा भी अच्छा करवा लेते हैं सिक्योरिटी गार्ड्स भी बल्कि वो चाहें तो वहाँ पर बैकअप उन्होंने अपने पावर प्लांट्स भी लगा लिए हुए और एक प्राइवेटाइजेशन ऑफ सिटी सिटीज हो रही है जिससे एक बड़ी डिस्पेरिटी जन्म ले रही है कि अगर आपके पास वसायल हैं आप अमीर हैं तो आप पैसे देकर वो चीज़ें तो बाजार से ख़रीद सकते हैं लेकिन जो पाकिस्तान का आ, मेहनत करने वाला जो मेहनती मेहनत कश तबका है जो गरीब तबका है आ, उसके पास ही कोई भी सहूलत मौजूद नहीं है और वही है जो शहरों में और देहातों में रहता है या शहर के उन इलाकों में रहता है जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन या सिटी गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट के मातहत आती हैं तो उनसे ये मुतालबा उन्हें ये मुतालबा अपने नुमाइंदों से करना चाहिए कि हमें लोकल गवर्नमेंट सिस्टम जो है वो बना के दें या लोकल गवर्नमेंट पर आवाज़ उठाएं या इलेक्शंस करवाएं और मेरा ख़्याल में पाकिस्तान में अब इस ये वक्त आ गया है कि जैसे एटीनथ अमेंडमेंट में एक रियलाइजेशन आई थी कि साठ साल बाद जो हमने सूबों को इख्तियार वसाइल नहीं दिए वो देने का वक्त आ गया था और एक ब्रेकिंग पॉइंट आ गया था और हमने देखा कि उस वो वसाइल नीचे देने का फ़ायदा आम शहरी को पहुँचा तालीम में बेहतरी आई सेहत में बेहतरी आई बहुत सारे सोशल इंडिकेटर्स बेहतर हुए। लेकिन अब जिस तरह वफाक और सूबे की एक डिस्पैरिटी थी पावर्स की अब वो सूबे ने बहुत सारे जो आपके मुकामी सतह के इख्तियार हैं जो हो सकता है कि आप ख़ुद भी अपने मोहल्ले का काउंसलर का इलेक्शन लड़के उसे इस्तेमाल कर सकें और अपने महल को बेहतर खूबसूरत बना सकें आ, तो अब मेरा हाल अब वक्त आ गया है कि इस पर भी डिबेट हो और इस पर लोग खुल के मुतालबा करें ताकि हम अपने शहरों को देहातों को कस्बों को शहरीों के लिए बेहतर बना सकें थैंक यू सो मच अहमद फॉर टेकिंग टाइम आउट फॉर दिस आपसे बहुत कुछ सीखा हमेशा की तरह और uh, आपके बहुत इंस्पायरिंग वर्ड्स भी हैं आई होप की लिस्टर्स आपकी ये बात सुनकर खुद uh, कुछ इसकी बेसिस पर कुछ एक्शन लें कुछ अपनी सोच में और अपने एक्शन में तब्दीली लाएं Thank you so much. Um, and best of luck with the local, the local democracy dialogue and uh, with all your future endeavors. Thank you so much, Asad. And uh, uh, one has to appreciate this uh, uh, podcast that you've started. Uh, I've been hearing and listening to the earlier podcasts, and I've learned a lot myself. Uh, and looking forward to the future podcasts as well. Thank you so much. That's great to hear. Thank you. You can find some links to what we talked about in this episode and to the recommendations made by our guest today in the show notes of this episode or on unpackingus.com. Don't forget to subscribe on YouTube, Spotify, or wherever you're listening to this episode. Also, I'd love to hear what you like and don't like about the show. and if you have any ideas for future episodes, you can email me at Asad at unpackingus.com. I can't promise to respond to every email, but I do promise to read and think about every email. Thank you for listening.